इसका मंत्र है लगातार भगवान के पानी में लगातार हुआ। मैं हूं जेम्स। आज का जो वीडियो है, जो व्लॉग है, ये स्पेशल एक बहुत बड़े फेस्टिवल के बारे में है। तो एक्चुअली आजकल बारिश नहीं हो रहा है, तो ये बारिश होने के लिए गांव में एक पूजा होता है। और ये जो व्लॉग है गांव की, जो एक पूजा है, पूजा के बारे में आज मैं दिखाने वाला हूं कि पूजा में क्या क्या होता है, क्यों ये होता है, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए एक छोटा सा ब्लॉग, एडवेंचरस ब्लॉग बना लेते हैं। हम लोगों का जो गांव का देवता है, उनका अभी पूजा चल रहा है यहाँ पे, अभी लगभग स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जो इस साल का जो पूजा है, वो गांव के बारिश नहीं हो रहा था गांव में, तो उससे रिलेटेड ये पूजा है। हालांकि गांव में हर वक्त पूजा होता रहता है, लेकिन ये पूजा कुछ स्पेशल होता है। ये एक्चुअली काइंड ऑफ फेस्टिवल है, बहुत मज़ेदार होने वाला है ये। और गाँव लोगों का मानना है कि जब भी बारिश नहीं होता है यहाँ पर, पूजा करने के बाद डेफिनेटली बारिश होता है। और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इसी गांव का हूँ मैं। आप देख सकते हो गांव के काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। गांव का प्रीस्ट जो कि यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। गांव में कुछ भी पूजा करना है या कुछ भी मन्नत मांगना है, तो आप इनके जरिए मांग सकते हैं। तो ये पूजा करते हैं और गांव का जो भी प्रॉब्लम होता है, गांव का जो देवता है, उनको यहाँ पे बताते हैं कि ये है प्रॉब्लम हुआ है। और ये है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, ये मिट्टी और पानी मिला के ये बनाया गया है। इसको भी पूजा किया जाता है। पूजा होने के बाद भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान का जो लगाया गया सिंदूर और चंदन, ये सब माथे पे लगाते हैं, मतलब कि पूजा ख़त्म हो गया अभी। तो दोस्तों, पूजा अक्सर ख़त्म हो गया, और सबसे जो मज़ेदार चीज़ है ना, अभी इसके बाद होगा। तो वीडियो आगे देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली मज़ेदार चीज़। इसका मंत्र है लगातार भगवान के पानी में लगातार हुआ। बड़े मौत में दर्द पर जमा Thank you.
पूजा खत्म होने के बाद ऐसे नहाते हैं।